देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। राहुल गांधी इस वक्त केदारनाथ की यात्रा पर हैं। फिलहाल वो लिंचौली पहुंच चुके हैं, यानी 13 किलोमीटर की यात्रा गौरीकुंड से लिंचौली तक वो पैदल कर चुके हैं। लिंचौली से राहुल कल केदारनाथ के लिए एक बार फिर पैदल यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रघुवीर रावत भी हैं, दूसरे अन्य तमाम लोग भी राहुल गांधी के साथ हैं। लिंचौली में राहुल SDRF के कैंप में विश्राम करेंगे। सुबह यहीं से बाबा केदार के दर्शन के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आगे बढ़ेंगे। तो केदारनाथ जाने के लिए यही तरीका है, पहले गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर कई लोग पैदल यात्रा करते हैं। और ये आप राहुल गांधी की तस्वीरें देख रहे हैं, गौरीकुंड से लिंचौली तक लगभग 13 किलोमीटर का ये सफर जो उन्होंने पैदल यात्रा के जरिए पूरी की है। अब यहाँ आज वो लिंचौली में रुक रहे हैं, कल सुबह निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए, यानी 5 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता उन्हें तय करना होगा। गौरीकुंड पहुंचने पर आज तक के संवाददाता राहुल गांधी के साथ रहे, देखिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। देहरादून से राहुल गांधी करीब 12:30 बजे निकले और 1:25 पर वो गौरीकुंड पहुंच गए। और आप देख सकते हैं यहां से वो गौरीकुंड पहुंचे हैं और टी शर्ट और जींस में आपको राहुल गांधी नजर आएंगे जो नीचे सीढ़ियों से उतर रहे हैं। फिलहाल अभी अभी वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे हैं और राहुल एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं। आमतौर पर वो कुर्ता पजामा में दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जींस और टी शर्ट इन्होंने पहन रखा है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और गौरीकुंड से करीब 13 किलोमीटर का जो सफर है वो राहुल तय करेंगे। राहुल आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल नीचे और यहां पर जो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। राहुल गांधी आप देख सकते हैं इस तरह से गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, उनके साथ बाकायदा जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इनके साथ हैं। 13 किलोमीटर का सफर तय करके वो लिंचौली वहां पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह वो वहां से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करेंगे। 5 किलोमीटर का जो सफर है वो कल सुबह पैदल शुरू करेंगे और उसके बाद करीब 8:30 बजे जब बाबा केदारनाथ के द्वार खुलेंगे तो वो उनके दर्शन करेंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो राहुल गांधी हैं वो गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं, अभी अभी वो गौरीकुंड में लैंड किए हैं, अभी अभी वो उतरे हैं और इसके बाद वो सीधे गेस्ट हाउस में चले गए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जितने भी जो पुलिस के लोग थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको वहीं पर रोक दिया है। जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो इनके साथ यहां पर पहुंचे हैं, ये हमें फिलहाल बताया जा रहा है। और साथ ही में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय वो भी यहाँ पर होंगे और साथ ही में उत्तराखंड की जो प्रभारी है अंबिका सोनी वो भी यहां पर इनके साथ पहुंचेगी। फिलहाल कुछ देर के लिए राहुल यहां पर आराम करेंगे, उसके बाद वो बाबा केदारनाथ धाम की अपनी आगे की जो पैदल यात्रा है वो शुरू करेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ अमित कुमार चौधरी, गौरीकुंड आज तक। अमित चौधरी हमारे सहयोगी जो इस सफर पर गए हैं राहुल गांधी के साथ वो लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं और अब सीधे जुड़ गए हमारे साथ गौरीकुंड से अमित चौधरी हमारे सहयोगी। अमित, संकेत क्या देने की कोशिश है केदारनाथ यात्रा पे जाकर, इस पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले तो ये पूरा अनुभव काफी फिट है। बिल्कुल, और देखिए हम गौरीकुंड से लेकर के लिंचौली तक उनके साथ रहे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक जगह वो पांच किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो सिर्फ आधे घंटे के लिए रुके थे, वहां पर उन्होंने चाय पिया, उसके बाद वो लगातार उनका जो पदयात्रा है, उनकी जो यात्रा है वो लगातार चलती रही और पैदल ही वो फिर एक जो है रामबाड़ा में सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके और वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि देखिए वहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो रीडेवलपमेंट का जो काम है वो हुआ है और कुछ लोगों से भी उन्होंने बात की क्या कि वो सरकार की जो नई नीतियां हैं, जो उनकी जो सरकार की जो पहल है, क्या उससे वो खुश है। तो जाहिर सी बात है पूरे इस दौरान, क्योंकि देखिए जिस रफ्तार से वो चल रहे थे कभी भी लगा नहीं कि वो कहीं साइड में बैठना चाहते हैं या फिर रुकना चाहते हैं, वो लगातार चले जा रहे थे और उनके साथ चाहे जितिन प्रसाद हो या फिर उनके साथ राजा बरार हो, उन सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उनकी कदम ताल से कदम मिलाने में, लेकिन राहुल गांधी को किसी तरीके की कोई थकान उनके चेहरे पर नहीं नजर आ रही थी। 5 किलोमीटर के बाद वो जाकर रुकते हैं, हमने उनसे पूछा कि
कई लोग जो उनके साथ चल रहे थे एसपीजी के जो जवान थे, और बहुत ज्यादा देखिए बहुत ज्यादा भीड़ साथ लेकर नहीं गए एसपीजी के, सिर्फ 12 जवान उनके साथ मौजूद थे, इनमें दो सुपरवाइजर भी थे। तो हमने उनसे पूछा भी क्या आप थकते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखिए 16 से 20 किलोमीटर का रन वो है वो रोज करते हैं। जी अमित लौटेंगे आपके पास, अमित से और भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे संकेत भी कांग्रेस पार्टी केदारनाथ यात्रा के साथ दे रही है, लेकिन केदारनाथ यात्रा के साथ क्या जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का है उसमें भी सेंध मारने की कोशिश है। आइए जो पूरा रास्ता है वो जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं, ये जो नया रास्ता है केदारनाथ का वो आपको बता देते हैं। अगर आपको केदारनाथ के सफर पर जाना है तो जो नया रास्ता है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे राहुल गांधी भी गए हैं, गौरीकुंड 4 किलोमीटर। गौरीकुंड से ही फिर आप जाते हैं लिंचौली के लिए, ये देखिए रामबाड़ा 9 किलोमीटर, बीच में जैसा कि बताया हमारे सहयोगी ने यहीं पर 5 मिनट के लिए वो रुके थे, और वहां से फिर और 5 किलोमीटर आगे आप पहुंच गए लिंचौली। लिंचौली में ही ज्यादातर लोग विश्राम करते हैं, और फिर 5 किलोमीटर का सफर है यहां से केदारनाथ का, जिसके लिए कल सुबह वो निकलेंगे, और कल ही जैसे ही कपाट खुलेंगे तो राहुल गांधी वहां पर दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये केदारनाथ का वो नया रास्ता है जो हम आपको बता रहे थे, इसी रास्ते से अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं केदारनाथ। पहले रामबाड़ा रास्ते में पड़ता है, रामबाड़ा के आगे आप गए तो आप लिंचौली पहुंचते हैं गौरीकुंड से, और ये 13 किलोमीटर का सफर है, और ये पूरा 13 किलोमीटर का सफर उन्होंने बेहद मुस्तैदी के साथ तय किया है। लेकिन ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी हाँफ रहे थे जितिन प्रसाद से लेकर तमाम लोग कदम ताल करने में। अमित, अगला सवाल यही कि कांग्रेस पार्टी एक संकेत भी देने की कोशिश कर रही है, क्या जो हिंदुत्व का कोर एजेंडा एक बीजेपी का रहा है, और एक जो कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है, जो उस पर आरोप भी लगता रहा कि आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, उन सब पर बदलाव करने की कोशिश है, क्या नए तरीके से बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे पर सेंध मारने की कोशिश है, इस पर बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं, राहुल गांधी ने जंगल चट्टी पहुंचकर थोड़ा सा विश्राम किया, चाय के ढाबे पर रुके, बातचीत की लोगों से। 2:30 पर राहुल गांधी जंगल चट्टी में पहुंच गए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितिन प्रसाद के साथ वो चाय का मजा लूट रहे हैं। कुछ देर के लिए आराम करने के लिए वो यहां पर रुके हैं, हालांकि ये बात कहना पड़ेगा कि जिस रफ्तार के साथ, जिस तेजी के साथ उन्होंने करीब 5 किलोमीटर का जो सफर तय किया वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल नहीं थके, लगातार बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है, लेकिन राहुल गांधी लगातार चढ़ते रहे, कहीं पर भी चेहरे पर वो शिकन, वो थकान उनके नजर नहीं आ रही थी। और यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जब उनके जितिन प्रसाद ने पूछा, कि जाहिर सी बात है कहीं पर भी उनको लगा नहीं कि ये थक गए हैं, तो उन्होंने कहा कि 15 से 20 किलोमीटर की जो रनिंग है वो लगातार करते हैं, और उन्होंने चुटकी लेते हुए ये कहा कि जितिन जो है वो भी योगा शुरू कर रहे हैं, यही वजह है योगा कर रहे हैं, यही वजह है कि जितिन भी लगातार इनके साथ यहां तक पहुंच गए। फिलहाल राहुल चाय पी रहे हैं, और यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि 2013 के जून में जो यहाँ पर त्रासदी आई थी उसके बाद किस तरह की व्यवस्था की जा रही है केदारनाथ धाम के लिए, जो शरणार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए किस तरीके का इंतजाम है, किस तरीके की व्यवस्था है केदारनाथ धाम की यात्रा की, उसकी भी बकायदा वो जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बैठे हुए हैं, कुछ देर के लिए वो यहाँ पर आराम करेंगे, और इसके बाद जो उनका सफर है आगे का वो शुरू हो जाएगा। लिंचौली तक वो जाएंगे, और उसके बाद अब उम्मीद ये है कि वो सीधे लिंचौली के लिए यहाँ से निकलेंगे, और रात में वहीं पर आराम करेंगे, और लिंचौली में आराम करने के बाद जो सुबह, कल सुबह जब केदारनाथ धाम के जब फाटक खुलेंगे तो वहां पर वो 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। हमारे सहयोगी भी उसी रफ्तार से आगे चल रहे थे, पैदल यात्री बनकर अमित चौधरी हमारे सहयोगी। जंगल चट्टी से राहुल लिंचौली के लिए निकले तो रास्ते में सेना के जवान लोगों ने बहुत सारी फोटो खिंचवाई उनके साथ, देखिए आज तक के संवाददाता की ये रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जो लगातार जो भी लोग उनसे मिल रहे हैं उनसे बहुत ही मिलनसार ढंग से वो मिल रहे हैं, उनसे लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं। केदारनाथ धाम के लोगों ने जो एक बड़ी तबाही देखी है, बड़ी त्रासदी देखी है, उसके बाद
किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है उसकी बारीकी से वो जांच कर रहे हैं, बारीकी से उसका जायजा ले रहे हैं। लगातार लोगों के चेहरे पर हंसी भी ला रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनसे हंस करके, अपने वही पुराने चिरपरिचित अंदाज में जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, वो भी एक एनर्जी का एहसास कर रहे हैं। और अभी फिर से आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से वो फिर से रुक गए। अभी यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली थी, पैदल चलने वाले थे, लेकिन फिर से रुक गए, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते रहे रास्ते में, और उन सब की हालत और उन सब से पूछते रहे कि और क्या चीजें की जा सकती है, ताकि जो केदारनाथ भगवान की, केदारनाथ धाम की जो यात्रा है, वो और ज्यादा सरल और व्यवस्थित हो सके। तो देखा आपने अमित चौधरी की ये रिपोर्ट। अमित चौधरी बता रहे हैं कैसे लोग जगह जगह पर रुककर फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। चाय के ढाबे पर रुके, जिस ढाबे पर रुके, ढाबे के मालिक से बात की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ सुनील है, और सुनील के लिए बड़ा दिन है क्योंकि राहुल गांधी ने इनके छोटे से रेस्टोरेंट में इनकी कड़क चाय का स्वाद चखा। कैसा लगा जब राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने आपसे बोला कि चाय चाहिए? मुझे बहुत बढ़िया लगा, और जीवन में मैंने पहली बार राहुल जी को अपने हाथ से चाय पिलाया, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने हाथ से उनको चाय पिलाई। क्या कोई खास डिमांड की थी कि चीनी कम चाहिए या पत्ती तेज चाहिए या अच्छी तरीके से कड़क बनाओ, या जो भी आपने बना के उनको दे दिया उनको उन्होंने पी लिया उसको? उन्होंने सिर्फ मेरे लिए, मुझे चाय बनाने के लिए ऑर्डर दिया, और जैसी भी बनी होगी चाय उन्हीं को पता होगा कैसी बनी, लेकिन उन्होंने दोबारा चाय जरूर मांगी। कितनी कप चाय पी? दो कप चाय पी लिया। तो आपका क्या थोड़ा लग रहा था कि राहुल गांधी को पसंद आएगी चाय, नहीं पसंद आएगी? थोड़ा अंदर से कहीं ना कहीं एक डर या एक कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल हो रहे थे थोड़ा सा? थोड़ा बहुत हो रहा था मुझे भी कि क्या पता, बड़े लोग हैं यहाँ, चाय पता नहीं उनके लिए अच्छी बनती या नहीं बनती, लेकिन मेरे समझ से उनको बहुत बढ़िया चाय। खाया उन्होंने और क्या क्या पिया यहाँ पे? और यहाँ पे नमकीन कुरकुरे जो भी वो खाया, और मट्ठी भी मांग रहे थे मैं सुन रहा था। वो शायद मांग रहे होंगे, लेकिन मुझे उतना पता नहीं, भीड़ भड़ाक में। तो केदारनाथ धाम पहुंच रहे राहुल गांधी, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि बारिश की संभावना है, और बारिश होने की वजह से ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उन पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चार धाम में बारिश की संभावना है, और इसीलिए ये आशंका कि शायद थोड़ी मुश्किल आए। हालांकि जो मेन सफर है, जो उन्होंने गौरीकुंड से लिंचौली तक का 13 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर लिया है, वो अब अलग है, लेकिन उन्हें अब लिंचौली से आगे केदारनाथ के लिए 5 किलोमीटर और कल सुबह चलना है। वैसे में 4 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 30 अप्रैल तक बारिश की भविष्यवाणी है, अभी वहां से लौटना भी है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे राहुल गांधी के इस सफर की, जितिन प्रसाद उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दिलचस्प अनुभव। और इसी के साथ कांग्रेस की वो बड़ी तस्वीर भी, एक हमेशा आरोप लगता था कि आप अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई राजनीति करती आई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस सफर के साथ क्या राजनीतिक रूप से भी एक संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी? अमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें राहुल गांधी लिंचौली में आज है, कल सुबह कपाट खुलते ही वो पहुंच जाएंगे वहां पर। लगभग 5 किलोमीटर का ही सफर अब बचा है उनका, पहाड़ी इलाका, काफी फिट, बहुत आसानी से सिर्फ एक जगह कहीं रामबाड़ा में बीच में रुके, वो भी एक चाय के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अंजना जी, ऐसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर सिग्नल के प्रॉब्लम्स होती हैं। सवाल यही है जो मैं आपसे कर रही थी कि क्या राजनीतिक रूप से भी एक संकेत देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है राहुल गांधी के केदारनाथ जाने से, क्योंकि अभी तक आरोप यही लगता रहा है कि हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। बिल्कुल, देखिए अंजना, चार धाम की जो यात्रा है वो बिना केदारनाथ के पूरी नहीं होती, और ऐसे में तबाही के बाद कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ आने से डर रहे थे, जो झिझक थी, उस झिझक को राहुल गांधी मिटाना चाहते हैं, और उन तमाम लोगों को जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको टारगेट भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत, उनसे भी हमारी बात हुई तो वो रोल मॉडल बनना चाहते हैं। मौसम यहाँ लगातार बहुत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जानकारी दी गई कि देखिए मौसम खराब है, बारिश हो सकती है,
पैदल यात्रा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे। उसके बावजूद भी वो सिर्फ यही नहीं कि लिंचौली पहुंच गए, लिंचौली के बाद उन्हें ऑफर किया गया कि सीधे आप फ्लाइट से, सीधे आप वहां से जो हवाई यात्रा से चॉपर का इस्तेमाल करते हुए आप सीधे केदारनाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन वो अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, सुबह मौसम ठीक होने के बाद या वो 6 से 7 बजे के बीच में केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो राहुल यहां पर अपने आप को टफ दिखा रहे हैं, राहुल इतने हल्के में अपने आप को दिखा नहीं रहे, वो कमजोर पड़ते हुए नहीं दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बदले बदले से राहुल नजर आ रहे हैं। और राहुल जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहां पर पहुंचे, हालांकि वो सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचे, लेकिन उन्होंने पैदल चलकर ये दिखा दिया कि राहुल किसी से कम नहीं है, राहुल कमजोर नहीं है और राहुल भी अब राजनीति के मैदान में खुले तौर पर उतर आए हैं। जी अमित, तापमान कितना है? देखिए फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी रुक रुक करके बारिश होती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अमित। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के सारथी हरीश रावत भी हैं, यही सुनते हैं क्या कह रहे हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राहुल गांधी के काफिले के साथ साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रामबाड़ा में फिलहाल हम मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी और किस तरीके से इस जगह को संवारने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए आरामदेह इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में बातचीत करते हैं। हरीश रावत जी, बहुत मुश्किल था जो सब कुछ हुआ उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डर भी लगता था, तो कैसे इसको सजाया? मैं उन सब लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ गंवाई, जो काल कलवित हुए और अब हम इस स्थल को स्मृति स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। सामने से आप देख रहे होंगे एक नए पुल के साथ, हम नए अलाइनमेंट के साथ सड़क निकाल रहे हैं और वो सीधे वहाँ जाकर के मिलेगी।